हेलो किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप अपनी खेतों में टमाटर को भरते हैं तो वो नीचे में रहने के कारण से टमाटर सड़ जाता है, तो आप किस तरह से टमाटर को भरेंगे जो आपका टमाटर एक भी नहीं सड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें और चैनल पे जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे किसानों से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टमाटर को आप किस तरह से भरना है। आप देख सकते हैं ये मेरा टमाटर का प्लांट है जो मैं लगाया हूँ और इसमें फ्लावर भी आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इनको खाद डाल करके भरूँगा और भर के पटवन दूँगा इसमें टमाटर भी लगना शुरू हो जाएगा। और टमाटर में कौन कौन सा खाद मिक्स करके डालना रहता है जो मैं अभी इसमें डालूँगा, यूरिया मिक्स करूँगा और DAP और पोटास, और ये तीनों को जो मिक्स करूँगा तो तीनों को एक एक केजी करके मिक्स करूँगा। आपका जितना बड़ा टमाटर का प्लांट है उस हिसाब से आपका जितना भी खाद लगता है तीनों को बराबर मिक्स करके और आपको डालना रहता है। जब आप अपने टमाटर के पौधे के पास खाद डालेंगे तो आप एक बातों का ध्यान रखेंगे, जो हम खाद इसमें देंगे वो खाद हमारा मिट्टी का अंदर होना चाहिए तभी हमारा खाद अच्छा तरह से काम कर पाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको खाद कैसे करके देना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं टमाटर पौधा के पास खाद डाल चुका हूँ और आपको जो खाद देना है टमाटर का पौधा से 3 इंच दूरी में आपको खाद डालना है। आप देख सकते हैं मैं प्रत्येक पौधा से 3 इंची 4 इंची दूर में खाद डाला हूँ। तो आप लोगों को भी इस तरह से खाद डाल लेना है और आप इनको किस तरह से भरेंगे जो आपका एक भी टमाटर नहीं सड़ेगा। तो चलिए मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से भरना है। ये हम जैसे टमाटर का लाइन लगाए हैं हम एक को भरेंगे फिर बीच में एक को छोड़ेंगे फिर एक को भरेंगे एक को छोड़ेंगे ऐसे करके। अभी आपको समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो को देखिए आगे, मैं कैसे आपको भर के दिखाता हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह से भरना है ताकि आपका टमाटर एक भी नहीं सड़ेगा। ऐसे करके आपको भरना होगा। देखिए जैसे कि मैं भरा हूँ, जैसे कि मैं ये लाइन को भरा हूँ तो इसका बीच में जो दूसरा लाइन है इसको छोड़ दिया हूँ, फिर यहाँ पे देखिए इसको भरा हूँ फिर बीच में एक छोड़ के फिर इसको भरा हूँ, ऐसे करके मैं सारा को भर रहा हूँ। और अगर ऐसे आप भरते हैं तो आपका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम इसमें पानी देते हैं जब हमारा टमाटर बड़ा हो जाएगा जब इसमें फल आना शुरू हो जाएगा तो हम जो इसमें पानी जो पटवन करेंगे इसमें टमाटर हमारा डूब जाएगा और इसमें सड़ने का चांस अधिक रहता है। और हमारा जैसे ही इसमें टमाटर लगना शुरू हो जाएगा तो हम ये जो बीच में खाली जगह छोड़े हैं हम जब फल लगना शुरू हो जाएगा तो टमाटर को थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे इधर और इसमें मेरा खाली जगह में टमाटर पूरा रह जाएगा। जब हम तोड़ेंगे तो हमारा तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमारा बीच में आप देख सकते हैं इतना बड़ा जगह खाली है। और इस तरह भरने से क्या होता है आपका दूसरा फ़ायदा, मान के चलिए हम टमाटर में आज पानी दे रहे हैं और हमको कल सुबह तोड़ना है तो अगर हम प्रत्येक को भरेंगे, जैसे कि मैं बीच में एक को छोड़ दिया हूँ, अगर प्रत्येक को भरेंगे तो हम कल सुबह नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि हमारा मिट्टी पूरा गीला होगा। आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मैं बनाया हूँ, मान के चलिए अगर हम ऐसे प्रत्येक को भरते हैं तो हमारा ये छोटा जो करीबन 15 इंच का ये हमारा बेड बच गया है इसमें हमारा पूरा टमाटर नहीं अटेगा, तो इसलिए हम मैं इस तरह से बीच में पूरा इसको खाली छोड़ दे रहा हूँ ताकि हमारा जो टमाटर है वो इसका जो गैप जगह है इनमें रहेगा और जब हम इनको तोड़ेंगे तो हमें तोड़ने में भी आसानी होगा। तो आप लोग भी इस तरह से टमाटर को भरिएगा जब
आपका बारिश भी होगा तो आपका एक भी टमाटर नहीं सड़ेगा। और आपको और एक बात का ध्यान देना है, जब आप अपने टमाटर को भरेंगे तो आपका नीचे वाला भाग में देखिएगा न्यू ब्रांच निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नया ब्रांच आ रहा है। आप इनको नहीं ढकेंगे, जितना आपका सारा पौधा है आपका प्रत्येक पौधा के पास नीचे में जो नीचे वाला भाग है जहाँ से जड़ नीचे गया हुआ होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू ब्रांच निकल के आ रहा है। आप जब मिट्टी ढकेंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे मिट्टी कहीं हम इनके ऊपर में ना ढक दें। अगर ढकिएगा तो आपका ये जो न्यू ब्रांच निकल के आ रहा है वो टूट जाएगा और आपका जो पूरा टमाटर का प्लांट लगाते हैं वो पूरा खेत को आपका नहीं ढक पाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा टमाटर लगभग ठीक ठाक ही है और मैं 15 दिन के बाद आपको दिखाऊंगा कि अभी थोड़ा थोड़ा भी मिट्टी दिख रहा है। 15 दिन के बाद मैं जब दूसरा वीडियो बना करके लाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो ये मिट्टी आपको दिख रहा है आपको एक भी मिट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ये ऊपर वाला ब्रांच है और जो नीचे से निकल के आ रहा है वो सारा ब्रांच हमारा पूरा खेत को ढक लेगा। और अधिकतर लोग टमाटर को इसी तरह से भरता है, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो प्रत्येक को भरता है। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा जो ये आइडिया है आपको किस तरह लगा। और चैनल पे जो जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे किसानों से रिलेटेड वीडियो आपको हमारी चैनल पे मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।